जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे आपका एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, और सही बात भी है। हमने बहुत सारे बच्चों का स्क्रीनशॉट मंगवाया है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर भी और इधर भी स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि देखिए बहुत सारे बच्चों का पेपर में क्वेश्चन जो है ना मैथमेटिक्स से छूट रहा है, और वो भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन छूट रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो चलिए आज हम उस पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा कारण मेरे भाई, हम स्टार्टिंग से अपने वीडियो में बताते आए हैं कि आप प्रैक्टिस करो, आप कोई छोटा बुक पतला बुक इन सब के चक्कर में मत रहो। आपको हमने एक स्टैंडर्ड बुक बताए थे, जो भी उसको फॉलो कर रहे होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। 12 दिन 13 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आपका जबरदस्त मेहनत होना चाहिए, और उस मेहनत के लिए जो हम स्ट्रेटजी बताने वाले हैं आप उसको फॉलो करें, और बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज इसका कीड़ा हम यहां से निकाल देंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को जो है कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या आपको। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 10 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 20 में कम से कम भी तो 18 करना, और 18 क्यों करना है, 20 में आपको 20 ही करना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां से नंबर कम से कम कटते हैं। यहां पर कहा जाता है कि जिस भी क्वेश्चन का हम पेन रख देंगे वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा, कब, जब आपकी तैयारी बेस्ट होगी। और तैयारी कब बेस्ट होगी, जब आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा। आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहिएगा तो आप मैथ के महारथी नहीं बन सकते हैं। आप किसी टीचर से पढ़ते हो वो यही आपको बोलेंगे कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा रूल है प्रैक्टिस का। तो चलिए 13 दिन में हम आपको 10 टॉपिक बताते हैं, उस 10 टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल हवा हवाई हो जाएगा। वहां पर आपको इतना नंबर लाने से कोई नहीं रुकेगा। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले तो आपका जो मेरा फेवरेट है और आपका भी फेवरेट है, ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा क्या आता है, परसेंटेज। परसेंटेज को आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर आपका आ जाता है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि। जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो या तो हमें लाभ होता है या हानि होता है, तो भाई हानि क्यों होगा, लाभ होगा। तो लाभ को क्लियर, ये दोनों को क्लियर कर दिए। उसके बाद सीआई और एसआई, इनसे कम से कम भी मेरे भाई तो 5 क्वेश्चन होगा ही होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, 5 क्वेश्चन तो इससे लिखा हुआ है, कोई नहीं रोकेगा। दूसरी चीज नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है, एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत। औसत, औसत के बाद अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो को आप फिनिश कर लीजिए, इन दोनों को आप फिनिश कर लीजिए। तीसरा जो आता है, तो तीसरा सीरीज का हमारा है, तीसरे सीरीज में क्या आता है, तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपका हो जाता है रेल दूरी यानी कि ट्रेन का, ट्रेन का समय एवं कार्य, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, रेल दूरी। उसके बाद नौधारा, नौधारा, ये यहां से भी आपको 4 क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। आप एग्जाम देकर के आइएगा, उसके बाद बताइएगा कि इतना क्वेश्चन आया कि नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन यहां से, दो क्वेश्चन तो आपको एवरेज से मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। 4, 5, 4, 9, 11, 2, 13 क्वेश्चन यहां से कंफर्म आएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लीजिए, एक तो आपका आ जाएगा आयतन, जिसको आप लोग वॉल्यूम बोलते हैं, दूसरा आपका क्षेत्रफल, एरिया। ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां जितने बच्चों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा है उन सब का इन दो टॉपिक से बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं ये दो टॉपिक से छूटा हुआ है, ठीक है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 2, ये सब इसी में रिलेटेड है, 30 से 40 क्वेश्चन इसमें है, यहां पर 3, 2, 5, 10 टॉपिक।
10 टॉपिक के लिए आपका हो गया कि आपको जो है ये 10 टॉपिक करना ही करना है। सबसे पहले क्या परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सीआईएसएल एवरेज रेशियो टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस रेल दूरी और नौ धारा ये एक साथ उसके बाद आयतन और क्षेत्रफल इतना आपको करना है। तो उसके बाद एक दो टॉपिक को आप एक्स्ट्रा में रख लो। एक क्या एक्स्ट्रा में रख लो तो सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ इसको आप एक्स्ट्रा में रख लो। इसको आपको करना है इसमें कौन सा करना है ये ध्यान रखो। एक क्वेश्चन आपको आता है कि दो अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 18 20 22 24 से विभाजित हो जाए या 24 से विभाजित होने पर इतना शेष बचे 24 से विभाजित होने पर 5 शेष बचे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2 4 8 10 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वो कौन सी संख्या होगी। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन इसमें आता है ना वो थोड़ा सा फंसाने वाला होता है तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये करना कैसे है ये तो हम बता दिए कि इतना आपको करना है ठीक है। दो क्वेश्चन यहां से भी रहेगा एक से दो क्वेश्चन आपको यहां से रहता है। दूसरी चीज एक एलसीएम का आता है। एक चीज और याद रखिएगा डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि दो से कटने का नियम तीन से कटने का नियम चार से पांच से छह से आठ से दस से बारह नौ से ग्यारह से इस तरीके से ग्यारह तक मिनिमम याद रखिएगा। उससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा ये बात ध्यान रखना है। आगे जाकर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें जितने भी हैं एक और साथ में रखिएगा एक आपका आ जाता है साझा। भाई मेरे इसको मत छोड़ना ये जो है ना वो इससे रिलेटेड है रेशियो से रिलेटेड ये है साझा। और इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है कोई कितना भी कह ले कि नहीं आता है एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें रेशियो में जो है कुछ फॉर्मूला होता है द्वितीय टर्म का तृतीय टर्म का चतुर्थ टर्म का वो ध्यान रखिएगा वहां से एक क्वेश्चन आपको आएगा। फिर एक आता है इसमें क्वेश्चन आता है एक मिश्र समानुपात आता है जिसमें विलयन का आता है विलयन वाला ध्यान रखिएगा ये चीजें। अब यहां से ये पूरा कैसे करना है सबसे बड़ी बात तो ये हो जाता है कि इतना तो हम बता दिए आप बता दिए टाइम भी है अब ये पूरा होगा कैसे तो याद रखिएगा इन सब के लिए मात्र एक ही दवा है जो बुक आपको यहां पर दिख रहा होगा यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखेगा कौन सा आर एस अग्रवाल। अगर नहीं फॉलो कर रहे हो आज से भी फॉलो कर लो 12 दिन 14 दिन बचे हुए हैं परफेक्ट हो जाओगे। परसेंटेज आर एस अग्रवाल से क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस आर एस अग्रवाल से क्लियर सीआईएसएल आर एस अग्रवाल से क्लियर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। अगर आप अभी से भी 14 घंटे 15 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो फिर काहे की पढ़ाई कर रहे हो ओपन सी बात है। अब तो आपका लास्ट समय आ गया है अगर अब नहीं मेहनत की हो और पेपर देने के बाद पछता गए कि यहां से क्वेश्चन आया और नहीं बना तो क्या कर लोगे। और हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर आप आर एस अग्रवाल फॉलो करते हो और अच्छे से फॉलो करते हो भाई 18 तो दूर की बात है 20 में 20 सटेगा क्वेश्चन। यहां से जितना भी क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा। दूसरी चीज ये तो आप कर रहे हो एक चीज और डेली दो प्रैक्टिस सेट दो प्रैक्टिस सेट आपको डेली कवर करना है। उससे क्या करना है ना कि जो आपका मैथमेटिक्स में गलत हो इसमें इन दोनों प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं है सेम गलत नहीं होगा कुछ इसमें सही होगा कुछ इसमें सही होगा लेकिन जो डेली प्रैक्टिस सेट मारिएगा दो उसमें आपको सेम गलत होगा क्योंकि इसमें भी वही नहीं बनेगा और इसमें दोनों का सोल्यूशन एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि इसका सोल्यूशन कभी किया इसका नहीं दोनों प्रैक्टिस सेट आप मारिए उसके बाद उसका सोल्यूशन करिए सोल्यूशन का टाइमिंग अलग का रखिए क्योंकि माइंड उस समय फ्रेश रहेगा। दो प्रैक्टिस सेट मारिए दोनों का सोल्यूशन करिए और जो सोल्यूशन में गलत हो ये बात ध्यान रखने वाली बात है जो सोल्यूशन में गलत हो उसमें से आप एक टॉपिक चुन लो। इसमें से एक नहीं क्वेश्चन गलत होगा ही होगा तो इसमें से आप एक टॉपिक चुन लो एक पूरा टॉपिक परसेंटेज का आर एस अग्रवाल से उठा बना जाओ चाहे आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो छोड़ो ये बात छोड़ दो आर एस अग्रवाल को हम तो कहेंगे आर एस अग्रवाल बनाओ अगर आप किसी और बुक को फॉलो करते हो तो उस बुक को उठाओ टॉपिक वाइज बना जाओ एक दिन परसेंटेज पूरा खत्म ठीक है। शर्त एक है इसमें आप अगर परसेंटेज बनाते हो तो जो कल दो सेट मारोगे उसमें परसेंटेज गलत नहीं होना चाहिए ये बात बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लो कि जो हम आज टॉपिक बना लेंगे उसका क्वेश्चन अगली बार गलत नहीं होगा ये बात ध्यान में रखने वाली बात है ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो ज्यादा नहीं 13 दिन में समाप्त हो जाएगा आपका 10 जनवरी से पेपर है पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक तैयारी आप सभी की चरम पर होनी चाहिए। भाई मेरे 14 से 15 घंटे अब कम से कम 10 दिन दे दो 10 दिन नहीं सोओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा बट अभी से 14 से 15 घंटे आप दे दो कोई कुछ नहीं आपका चाहेगा बस आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा
ये बात ध्यान रखिएगा, 14 से 15 घंटे दे दो, जितना मैक्सिमम हो सके दे दो, कोई 10 दिन में मर नहीं जाएगा, कोई नहीं मरेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मर जाएगा, कोई नहीं मरेगा, पानी पी पी के बैठो, ये दम लेकर के बैठो कि आज हम इसको खत्म करना, तो खत्म करना ही करना है। और ऐसा नहीं कि इसको करने के चक्कर में किसी और को भूल जाना, बिल्कुल नहीं, इसको भी पूरी तरीके से करना है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ये चीजों को आपको क्लियर करना ही करना है, ये लास्ट का है। और अगर इसको आपने क्लियर कर लिया तो भाई मेरे, जो भी आपका नंबर आ रहा है उसमें जो गलत हो रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में एक और बात, इन सब को तो करना ही करना है, लास्ट में जितना भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला है खास करके गोला से, क्यूब, क्यूबर्ड, शंकु, गोला, फिर आपको जो होता है बेलन, त्रिभुज, चतुर्भुज, जितना भी आपका फॉर्मूला है सब फॉर्मूला याद रखो, सारे फॉर्मूला याद रखो। वहां से आपको एक से दो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, और दो क्वेश्चन फंसने का मतलब चार नंबर कम से कम, भाई मेरे 0.05 नंबर में सिलेक्शन टूट जाता है, चार नंबर तो बहुत ऊपर की बात है। तो इतना कर लो, फॉर्मूला बहुत अच्छे से कर लो, एक चीज और फॉर्मूला करो, और फॉर्मूला जहां पर आप पढ़ते हो ना उसके सामने लगा दो, फॉर्मूला जहां पर आप बैठते हो ना उसके सामने लगा दो, यहां तक कि ये 10 दिन में फॉर्मूला बाथरूम में चिपका दो, कि ताकि हम बाथरूम में बैठे और सामने देखते रहे, ये चीज होना चाहिए जरूरी, जहां पर बैठो वहीं पर चिपका दो, छोटा छोटा नोट्स में। देखो इस टाइप का खरीद लो, इस टाइप का खरीद लो, ये आता है, इसका क्या है ना खासियत कि ये चिपकता है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख दिया, यहां चिपका दिया, ठीक है। अब जब हम यहां आएंगे एक नजर इसको देखेंगे, अच्छा ये था, ये था, ये था, और दिन भर में जब भी वहां से गुजरो 20 बार फॉर्मूला को पढ़ो, काहे के लिए छूटेगा एक भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मैथमेटिक्स का अगर आप फॉलो करते हो तो इसको एक बार फॉलो करके देखो, एक एक दिन एक एक टॉपिक क्लियर करते जाओ, दो प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, दोनों प्रैक्टिस सेट का बेस्ट सॉल्यूशन आपको करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, ज्यादा वीडियो वाला माना करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कि आपका रीजनिंग कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, 14 घंटे से 15 घंटे आप दीजिए तभी क्लियर होगा, ठीक है, बाय।